हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हुआ ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि जब मैं अपना बहुत ही फेवरेट वाला कुछ कलेक्शन लाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और क्या हो जाता है जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई चीज़ आपको, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छी मिल जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो यहाँ मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल एक गाउन वेयर किया हुआ है जो कि रामा ग्रीन कलर का है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में बेस्ट वाली क्वालिटी है, जिसका इमेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और इसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, वॉच आम वेयरिंग करके आप चेक कर सकते हैं। वेल, अगर आप मेरे चैनल पे भी जाएंगे तो थंबनेल्स में आपको दिख जाएगा। अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं, मैंने सारी ड्रेसेस मंगवाई है मीशो से। मीशो इंडिया का नंबर 1 रीसेलिंग ऐप है और यहाँ पर ना, मतलब कुछ चीज़ें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठीक मिल जाती है, कुछ चीज़ें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और कुछ कुछ चीज़ें तो मतलब मैंने देखा है अदर ऐप से भी आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है हर जगह हर क्वालिटी की हर प्राइस में हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो आप एक बार मीशो को ट्राई करें, चेक करें, मंगवाएं, रिव्यूज़ देखें, उसके बाद मंगवाएं, क्योंकि मीशो एक्चुअली एक जेन्युइन ऐप है और आपको वो सही चीज़ें सेंड कर रहा है, दैट्स वाई वो आपको रिव्यू दे रहा है। अगर वो फेक होता तो शायद वो आपको रिव्यूज़ नहीं देता। आज आप यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मीशो के देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने रिव्यूज़ खुद दे रहा है, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। आप चेक करो, कोड जाके सर्च करो, अपनी चीज़ मंगवाओ फ्री शिपिंग चार्जेस के साथ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आज का फर्स्ट ड्रेस जो कि नीचे रखा हुआ है, तो मुझे झुकना पड़ेगा। तो आज का फर्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही क्यूट जा है बाबा शेड का, जो मुझे तो बड़ा ज्यादा प्यारा लग गया। ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मैं कॉलेज में थी, आई थिंक 12th में, तो ये वाला कलर बहुत ज्यादा मतलब मेरा पसंद वाला था। फिर मेरा कुछ वक्त के बाद कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, फिर येल्लो हो गया, फिर मजेंटा हो गया। ऐसा मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही कलर, मैं ट्राई करती रहती हूँ, फिर मेरे फेवरेट होते रहते हैं। तो ये है आज का फर्स्ट वाला मैक्सी ड्रेस जो कि वी नेक के साथ मिलता है। थोड़ा सा बड़ा अगर लगे तो यहाँ से थोड़ा सा एक तोपा होता है ना सुई धागे के साथ, तोपा क्या बोलते हैं पता नहीं, वो लगा दो तो पैक हो जाएगा। और इस तरीके से जो इसका फैब्रिक है ना, बड़ा ही सॉफ्ट सा है, जॉर्जेट तो नहीं बोलूँगी बट जॉर्जेट ही है, बट सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है। इनर के साथ मिलता है, साइज M है। स्लीव्स आपको इस तरीके से पफी सी स्लीव्स मिलती है जो बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात कि बॉटम का जो फ्लेयर आप देख रहे हैं वो तो अच्छा है ही, प्लस आपको यहाँ पर फिटिंग के लिए ये डोरियाँ दी गई है, तो फिटिंग आप इसको ऐसे खींचोगे ना तो ये ऐसे फिटिंग ले लेगा। तो ये दोनों साइड से नहीं, एक साइड से, तो आपको एक साइड से खींचने के बाद यहाँ से इसको टाई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेयर है इसका। और नीचे आते आते ना जी, आप देखो इसमें इस तरीके से है, इनर लग के दिया हुआ है। लेंथ ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आप इसको कोई भी कलर कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करके एंकलथ लेगिंग के साथ वेयर कर सकते हैं, प्लाजो के साथ वेयर कर सकते हैं। और आजकल तो इस तरीके के, पता है, वो पैम्पलन साइज सूट्स होते हैं, आप देख रहे हैं शराराज के साथ, सलवार के साथ, सभी के साथ सब कुछ जल जा रहा है, मतलब कुछ भी पहन लो वो एक स्टाइल ही बन जा रहा है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये आज का फर्स्ट ड्रेस जो कि आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ विद टेसल विद फिटिंग के साथ मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी है। जिनकी रिक्वेस्ट थी आप इस वाली ड्रेस के साथ जा सकते हैं। आज की सारी ड्रेसेस जो है वो रिक्वेस्टेड है। एक ही ड्रेस है जो रिक्वेस्टेड थी लेकिन बहुत पहले हुई थी और मैंने अब मंगवाई, लेकिन क्वालिटी तो ऐसी आ गई कि मैं क्या ही बताऊँ। तो चलो वो भी दिखाती हूँ, लेकिन ये आज का फर्स्ट, जिसकी डिटेल आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ देख लेंगे आज का सेकंड। आज का सेकंड ड्रेस जो है ये आपको मिल जाता है रेयॉन फैब्रिक पे, ये भी रिक्वेस्टेड है। और ये बहुत ही प्रिटी एक लॉन्ग अनारकली है जो कि फ्लैट अनारकली है, आपको हैवी रेयॉन फैब्रिक पे मिल जाता है। ये पिस्ता सा कलर जो कि क्यूट लग रहा है और सिंपल सा है। और सबसे ज़रूरी बात जो पूछी थी आपने, बता दूँ ये पूरा ही फॉइल प्रिंट है, तो आपको हैवी रेयॉन के फैब्रिक पे पूरा ही फॉइल प्रिंट मिलता है। गोटा पट्टी आपको नेक पर और नेक के साइड्स पे लग के मिलती है, सेंटर में आपको बटन्स मिल जाते हैं। स्टिचिंग की अगर बात करें ना तो बहुत ही फाइन स्टिचिंग है इसमें, मतलब एक जो होती है सिंपल सी स्टिचिंग करके दे देते हैं, फिर वो कितना भी अच्छा ड्रेस हो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कई बार सिंपल फैब्रिक होते हैं जिनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है और ड्रेस का लुक अच्छा आता है, तो इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो वैसी है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वेस्ट के बाद आपको कलीदार जो है लॉन्ग अनारकली मिलता है, जिसमें पूरी ही देखो कलियाँ आपको दी गई है। और कलियाँ भी कैसी कि नीचे से ऊपर से छोटी छोटी और नीचे आते आते ब्रॉड, जिसकी वजह से जो उसका फ्लेयर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नीचे आपको इस तरीके से गोटा पट्टी मिल जाती है। बॉर्डर पूरा ही फॉइल प्रिंट का है, फ्रंट एंड बैक ये पूरा ही भरा हुआ है। और पीछे का नेक जो है बिल्कुल सिंपल है, साइज़ M है और बेस्ट है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल से वर्क करता है। आपको ऐसा ही दिखाया गया था, जिनकी रिक्वेस्ट थी उनको बता दिया कि ये फॉइल प्रिंट के साथ आपको रिसीव होता है। इसके साथ आपको कोई भी दुपट्टा या कोई बॉटम नहीं है, सिर्फ ये अनारकली है। तो इसकी सारी ही डिटेल्स प्राइजेस मैं लगा दूंगी स्क्रीन पर और दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक कर लीजिए। तो ये था आज का सेकंड ड्रेस
नाउ देख लेंगे आज का थर्ड ड्रेस। इवन महीना ज्यादा वधिया लग गया, मैं क्या बताऊं क्या बताऊं, बहुत कुछ भी नहीं बताऊं। तो इसके साथ आपको जो है ना शरारा पूरा ही स्टिच मिलता है, उसका जो वर्क दिखाऊंगी ना एकदम मस्त वाला, ब्राइडल्स वाला दुपट्टा दिखाऊंगी और भी प्यारा वाला। और जो कुर्ता है वो सेमी स्टिच्ड है, तो वो आपको स्टिच करवाना पड़ेगा। तो चलो फिर हम कुर्ता से ही स्टार्ट करते हैं। फुल भरा हुआ है और साइजेस तो ऐसे है कि आप मोटे तकड़े भी है तब भी इसको सिला के वेयर कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले कुर्ता, जो कि बहुत ही क्यूट सा एक पर्पल कलर में आपको मिल जाता है। नेक पे वर्क है, पूरा कुर्ता भरा हुआ है। कुर्ते की बात तो क्या ही करूँ, और इनर आपको इसमें लगा के अटैच करके दिया हुआ है। फ्रंट एंड बैक पूरा ही ऐसा है, नीचे क्यूट जब बॉर्डर है जी देखो, तो जो पूरा कुर्ता भरा हुआ है वो अलग और बॉर्डर अलग समझ में आ रहा है। कुर्ता इसका ऐसा है, स्लीव्स जो है इसकी फुल आपको दे दी गई है यहाँ पर। ये क्या दिया है, ये स्लीव्स है इसकी देखो, ये ऐसी आएगी ऊपर से ऐसे आएगी। तो स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, देखो स्लीव्स अच्छी लग रही है। हाँ देखो जी, तो स्लीव्स का जो वर्क आएगा सिलने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपको दोनों स्लीव्स साइड पे दे दी गई है, ठीक है। इसकी ये स्लीव्स हैं, कुर्ता फुल भरा हुआ है। बैक से जो कुर्ता है वो आपको प्लेन मिलता है, फ्रंट आपको भरा हुआ मिलता है। पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलता है पिंक कलर का, ना इसको बेबी पिंक बोलेंगे ना इसको थोड़ा डार्क पिंक बोलेंगे, बस ये पिंक है और एक अलग ही पर्पल के साथ मिठा सा मिक्स एंड मैच किया हुआ पिंक है, जिसके साथ आपको स्टिच्ड मिलता है शरारा। शरारा पे आपको पूरा ही कसब का काम दिया हुआ है, ब्राइडल्स के जो वर्क किए हुए होते हैं ना बारीक कसब बॉर्डर के साथ, वो वाला काम है। और फैब्रिक प्योर जॉर्जेट का हैवी वाला है, और यहाँ से प्लीट्स जो है वो बिल्कुल कम नहीं है। शरारा की स्टिचिंग वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा है, दैट्स व्हाई जो उसका लुक है बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो मैनू तो जी बहुत ज़्यादा ही वधिया लग गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्थ करता है अपने प्राइस को। मैं तो कहूँगी आँखें बंद करके वीडियो देखते से जाके ले लो, ऑर्डर्स बिल्कुल प्लेस कर दो। देखो सोना लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोना लग रहा है। स्पिनर भी लगकर है, मतलब प्लाजो तो ऐसा है कि फुल स्टिच्ड है। साइजेस अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग मंगाएंगे तो आपको वेस्ट के जो साइज है वो रिसीव होंगे। और ये है इसका प्लाजो, जो आप ट्राई ऑन में और अच्छे से, ट्राई ऑन तो पता नहीं मैं दे पाऊँ या नहीं क्योंकि ये सेमी स्टिच्ड है। अब बात करेंगे दुपट्टा की, लगाकर तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। दुपट्टा भी इसका बहुत ही हैवी फैब्रिक, 2.5 मीटर का है, और पूरे ही दुपट्टा पे आपको बॉर्डर दे दी गई है पर्पल कलर की, जिसपे कसब का काम है, और इस तरीके की बूटियां आपको दी गई है पूरे ही दुपट्टा पे। तो दुपट्टा भी जो है इसका बहुत ज़्यादा हैवी है। क्वालिटी मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वर्क जो एक बहुत ही हैवी सा आता है ना, वर्क इसका कुछ वैसा है। तो कॉम्बिनेशन इतना वधिया आ रहा ना इहदा पर्पल के साथ, देखो ऐसा पिंक कलर का पूरा ही बॉर्डर लगा हुआ दुपट्टा, एंड हैवी सा शरारा लुक, पूरा ईद वाला लुक है। देखो न्यू ब्राइडल्स है, अगर आपकी वेडिंग है आप ले सकते हो, हैवी चाहते हो, प्लस ये जो सारी कलर्स और अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। मैं तो एक आधा कलर और मंगा ही लूँगी, किसी को लेना देने में भी आ जाता है यार, अब आगे आगे काम पड़ेगा ही। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल से बेस्ट है, बहुत वधिया लग रहा है। कलर देखो कितना अच्छा जा रहा है मेरे पे, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसकी भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप भी इसके साथ जा सकते हैं। मैं हाईली रेकमेंड करूंगी आज के इस पूरे ही हॉल में इस वाले ड्रेस को। सो मीशो जो है वो आपको हर पोस्टल कोड पे डिलीवरी कर रहा है, कुछ कुछ मीशो के सेलर्स हैं जो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोविड, तो उस वजह से, अदरवाइज आप चेक करते रहे, जो चीज़ों के रिव्यूज मैं दे रही हूँ वो चीज़ों की डिलीवरी आपको मिल रही है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट हॉल वीडियो के साथ। अगर आप मुझे पर्सनली देखना मिलना चाहते हैं, मेरी लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर आके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ही मीशो ऐप डाउनलोड हो जाएगा आप देखेंगे आपको यहाँ पर होम पेज ओपन होगा, जहाँ काफ़ी सारी कैटेगरीज देखने के लिए मिल जाएगी। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं कि आपको क्या शॉपिंग करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक ड्रेस पसंद आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूँगी तो इस ड्रेस से रिलेटेड पूरा ही एक पेज ओपन होगा, जहाँ पर सारे ही कलर्स और सेम सेलर के और भी पैटर्न्स खुल जाएंगे कि इनमें कौन कौन से डिज़ाइंस हैं। अब अगर मैं इस वाले कलर पे मैंने क्लिक किया तो मैंने देखा कि मुझे COD अवेलेबल दिखा रहा है, मुझे रिव्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, और अगर मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आ जाता है, सब कुछ ठीक लगता है डिस्क्रिप्शन में, तो अपना साइज़ सिलेक्ट करूँगी और प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लूँगी। ऐड टू कार्ट करते ही आपको पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप शॉपिंग कर रही है तो जितने का अमाउंट है, मतलब 500 रुपये की चीज़ पे 500 ही फिल करना है, और अगर आप बिजनेस करना चाहती है तो आपको आपका मार्जिन ऐड कर लेना है, मतलब 500 पे 700 800 जितना भी आप मार्जिन चाहती है, और उसके बाद आपको शिपिंग एड्रेस पे क्लिक करते ही अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देना है। जैसे ही आपका पार्सल आपके कस्टमर तक जाता है आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है।